दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था और उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश के अलग होने से नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी नुकसान हुआ था। असम और नॉर्थ ईस्ट को रेल से कनेक्ट करने वाला मेन लाइन का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में चला गया था, जिस कारण नॉर्थ ईस्ट का रेलवे से संपर्क टूट गया था। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया और अभी तक इसमें कितना काम हुआ है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। साथ ही नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा को रेलवे से कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट यानी कि डीमापुर जुब्बा कोहिमा रेल लाइन प्रोजेक्ट का भी अपडेट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क असम स्टेट में ही है। केवल रेल ही नहीं, रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी असम टॉप पर है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले असम स्टेट में ही रेल चली थी, आज से लगभग 138 साल पहले। 1828 में असम में काफ़ी मात्रा में कोयला यानी कि कोल की खोज हुई थी, लेकिन शुरुआत में लोकल लोगों के द्वारा ही कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। 1865 के आते आते असम के कोयले का कमर्शियल यूज होने लगा और बाहर भी इस कोयले की काफ़ी डिमांड होने लगी। उस टाइम तक इंडिया में रेल की शुरुआत हो गई थी। जी हाँ, 1853 में ही मुंबई के पास ठाणे और बोरी बंदर के बीच रेल सेवा की शुरुआत हुई थी, और उस टाइम तक रेल काफ़ी फेमस हो रहा था इंडिया में। तो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए असम में भी एक रेल लाइन बिछाने का काम स्टार्ट हुआ और 1881 में पहली बार असम में रेल सर्विस की शुरुआत हुई थी। और उसी साल दार्जिलिंग हिमालयन टॉय ट्रेन भी शुरू हुआ था सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच। ये ट्रेन पहाड़ी एरिया में चलती है और आज भी ये ट्रेन नैरो गेज पर ही ऑपरेट होती है। इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, और 1999 में यूनेस्को के द्वारा इस रेल लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने हेरिटेज को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो 1881 में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे पहुंचने के बाद काफ़ी तेज गति से रेलवे का विकास हुआ। 1904 में चित्तगोंग पोर्ट से लुमडिंग होते हुए तिनसुकिया तक रेल लाइन को कम्प्लीट किया गया। ये चित्तगोंग पोर्ट आज बांग्लादेश में है। 1910 में अमिंगोंग को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश के रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 1920 में लमडिंग को भी गुवाहाटी से कनेक्ट किया गया और पहली बार ब्रह्मपुत्र रिवर में पुल बनाया गया था। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विकास हो रहा था। फिर 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया और दो टुकड़ों में नया पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के बनने से नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बॉर्डर डिसाइड करते टाइम इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया था। केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, पाकिस्तान के बनने से पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी रेल कनेक्टिविटी कुछ टाइम के लिए खत्म हो गई थी। इंडिया के तुलना में बांग्लादेश काफ़ी छोटा देश है, तो बांग्लादेश को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। सिलीगुड़ी के पास इंडिया को मात्र 22 किलोमीटर की चौड़ाई में एरिया मिला, जो कि हमारे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरनाक है। सिलीगुड़ी के उस एरिया को हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इंडिया के पार्टीशन होने से रेलवे के साथ साथ मेजर हाईवे भी बांग्लादेश की सीमा में चला गया और इंडिया को चिकन नेक कॉरिडोर मिला। आज भी इंडिया के पास मात्र 22 किलोमीटर की चौड़ाई में एरिया है, और उतने ही एरिया से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला रेल लाइन और बाकी का रोड नेटवर्क भी उतने ही एरिया में बना हुआ है। तो ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव है, खासकर अगर किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए तो उस टाइम ये एरिया काफ़ी अनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन देश यानी कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का बॉर्डर है, और चाइना का बॉर्डर भी यहाँ से काफ़ी पास में ही है। तो इसी से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग रास्तों से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने पर जोर दे रही है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कालादान प्रोजेक्ट।
तो चलिए अब रेलवे की बात करते हैं। 1947 में बांग्लादेश के बनने के कारण नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। उसके बाद मात्र 2 साल में इंडियन रेलवे के द्वारा काफ़ी फास्ट और रिकॉर्ड टाइम में रेल लाइन बनाकर नॉर्थ ईस्ट को फिर से रेलवे से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद लगातार नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट की कैपिटल सिटी तक रेलवे की कनेक्टिविटी है, लेकिन अगले 3 साल में नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के कैपिटल सिटी तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा को रेलवे से कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट धनसिरी जुबा रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में नागालैंड में एकमात्र रेलवे स्टेशन है डीमापुर। तो स्टार्टिंग में प्लान था कि डीमापुर से ही नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा को कनेक्ट किया जाए, लेकिन बाद में इस रेल लाइन को रिवाइज करके धनसिरी से इस रेल लाइन को स्टार्ट किया गया। धनसिरी असम स्टेट में है और इंडियन रेलवे के लमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन में है। धनसिरी जुबा रेल लाइन की लेंथ है 82.5 किलोमीटर और इस रेल लाइन में सिंगल ट्रैक पर डीजल लोकोमोटिव चलाने का इंडियन रेलवे का प्लान है। दिसंबर 2019 तक इस रेल लाइन में 25% वर्क कंप्लीट हो गया था। इस रेल लाइन से नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा के पास जुबा तक ट्रेन पहुंचाई जाएगी। जुबा से आगे भी कोहिमा में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सर्वे कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन यानी कि जमीन अधिग्रहण अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कहना है कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नागालैंड गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं किया गया है। तो लैंड एक्विजिशन नहीं होने के कारण इस प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रोजेक्ट 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा तक रेल सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विस्तार होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करके सजेशन दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।